हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग है, रिज्यूम सिलेक्शन। अब देखिए, आप अपना रिज्यूम सबमिट करते हैं किसी एलटी प्रोफाइल के अंदर, लेकिन आपका रिज्यूम सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो हो सकता है कि कुछ आप की स्किल्स मिस कर रहे हैं अपने रिज्यूमे के अंदर, जो कि उस रिज्यूम को अट्रैक्टिव नहीं बना रही है। तो आपको मैं कुछ स्किल्स बताऊंगा जो कि आपको ऐड करनी है अपने रिज्यूमे में, ताकि आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। अब देखिए, कुछ ये मैंने मेन मेन स्किल्स इसमें लिखी हैं, तो आप इस पे फोकस कीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग आप कुछ कुछ अपने रिज्यूमे में ऐड कर लेना। अब जैसे मैंने लिखा है, लैब टेस्टिंग, कन्फर्मेंस टेस्टिंग, मोबाइल फील्ड टेस्टिंग, प्रोटोकॉल टेस्टिंग, तो आप ये अपने रिज्यूम में अगर लिखेंगे तो जब भी इससे रिलेटेड कोई जॉब होगी तो आपका रिज्यूम सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ की टर्म्स हैं जो आप जरूर लिखिए। अगर आपको एंड्रॉयड टेस्टिंग भी आती है, जैसे मैनुअल टेस्टिंग होती है, एंड्रॉयड के फीचर्स होते हैं, तो आप एंड्रॉयड टेस्टिंग भी लिख सकते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3GPP रिलीजेज। अब देखिए, 3GPP की कुछ LTE रिलीजेज हैं कि LTE रिलीज 8 में आया था, फिर उसके अंदर कुछ कुछ अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो उसकी रिलीज बढ़ती जा रही है। अब जो रिलीज 15 है वो आप 5G की बोल सकते हैं, कि रिलीज 15 एंड अबव आप उसको 5G बोलेंगे। तो ये आप अपने रिज्यूमे में मेंशन करिएगा कि आपको कौन कौन सी रिलीज के बारे में पता है LTE के अंदर, और जो आपको पता हो। सपोज आप कुछ अपने रिज्यूमे में लिख रहे हैं, तो उसे लिखने के बाद अगर सपोज आपको नहीं पता, तो उसको उस पर स्टडी जरूर कीजिए और फिर उसको लर्न कर लीजिए। कुछ भी रिज्यूमे में आप कोई भी पॉइंट ऐसा मत लिखना कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछे और आपको पता ना हो, तो ये बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। फिर आप ये लिख सकते हैं, एक्सपर्टीज ऑन मैक, RLC, PDCP, RRC, NAS, UE प्रोटोकॉल स्टैक, लेयर्स, कि आपको लेयर्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप ये की स्किल्स आप मेंशन जरूर कीजिएगा। ये भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ 4G फीचर्स लाइक CSFB, वोल्टे, IMS, SRVCC, VO Wi-Fi, CA मींस कैरियर एग्रीगेशन। तो ये सारे टॉप फीचर्स हैं जो कि LTE में होते हैं, तो आप ये जरूर मेंशन कीजिएगा, तो आपके रिज्यूम सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। डेप्थ नॉलेज ऑफ 3GPP कन्फर्मेंस टेस्ट स्पेसिफिकेशन। अब देखिए, आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको कन्फर्मेंस टेस्ट स्पेसिफिकेशंस कुछ होती हैं, जैसे 51.010 है 2G की, 34.123 है 3G की, 36.523 है LTE की। तो आपको ये सारी इसके अंदर टेस्ट केसेस होते हैं जो कन्फर्मेंस टेस्टिंग में हम चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिमुलेटर्स, तो ये आपको पता होनी चाहिए, और इनके अंदर क्या क्या टेस्ट केसेस हैं वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। आप 5G से रिलेटेड भी कुछ लिख सकते हैं, कि स्टडिंग 5G, रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन 5G, कॉर्नर केस सर्विसेज लाइक EMBB, MMTC, URLLC। आप इसको पढ़ सकते हैं कि 5G में कुछ भी आप नया टॉपिक, मैसिव माइमो अगर आपको पता है, नेटवर्क स्लाइसिंग आपको पता है, तो ये कुछ की टर्म्स, की स्किल्स आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। एक्सपीरियंस ऑन की साइट, RNS, CMW500, Spirent, Anritsu, नेटवर्क सिमुलेटर टूल्स, ये सब आप लिख सकते हैं, ये कुछ टूल्स के नाम है। ऐसे ही आप कुछ UE लॉगिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि QXDM हो गया, ELT टूल हो गया, मोबाइल एनालाइजर हो गया, ये सारे टूल्स भी आप लिख सकते हैं। और लिखे आप लिखना तभी जब आपको वो थोड़ा बहुत पता हो, या उसके बारे में आप कुछ अच्छा बोल सकते हो, तभी आप लिखिएगा। ऐसे कुछ मत लिख देना कि वो आपसे पूछे और आपका आपके पास जवाब ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिज्यूमे में एक एक चीज को आप ढंग से प्रिपेयर करके अगर जाओगे, तो इंटरव्यूअर आपसे खुश हो जाएगा कि इसने जो लिखा है ये एटलीस्ट इसे आता है और इसको नॉलेज है। कुछ भी ऐसा कॉपी करके कहीं से मत लिखना जो आपको पता ना हो, ये मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक राय है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के और नए नए वीडियोस आपको आपके मोबाइल पे और आपके ईमेल पे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।